बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बता दें, जहां भोपाल में एमडी ड्रग्स को लेकर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। फैक्ट्री मालिकों एसके सिंह जयदीप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और भोपाल में पकड़ी गई है 1,814 करोड़ रुपए की ड्रग्स। एनसीबी और गुजरात एटीएस ने पकड़ी है ये ड्रग्स। तो देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला एमडी ड्रग्स को लेकर, जहां पर दो फैक्ट्री मालिक ऐसे हैं एसके सिंह और जयदीप, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और भोपाल में 1,814 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। एनसीबी और गुजरात एटीएस ने ये ड्रग्स की खेप पकड़ी है। तो देखिए, बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां 1,814 करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है वो पकड़ी गई और साथ ही साथ दो कंपनी मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। और यहाँ पर संयुक्त ऑपरेशन चलाया था एनसीबी और गुजरात एटीएस ने, जिन्होंने ये बड़ी कार्रवाई की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज तिवारी लाइव जुड़ गए। सूरज, एक बड़ी कार्रवाई हम कहेंगे एनसीबी और गुजरात एटीएस की, 1,814 करोड़ के ड्रग्स जो है वो पकड़े गए, दो ऐसे मालिक जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर पर आपके पास? देखिए, जिस तरह से गुजरात एटीएस और दिल्ली एनसीबी की टीम लगातार मध्य प्रदेश में आई और राजधानी भोपाल में करीब करीब प्रतिज्ञा एक महीने गुजरात एटीएस की टीम के जो अधिकारी उन्होंने बताया कि राजधानी भोपाल में करीब करीब वो एक महीने तक वो ठहरे रहे और लगातार तमाम उन संदिग्ध लोगों पर नज़र रखे रहे जो इस मामले से जुड़े हुए थे। जब मौका मिला, पूरी चीज़ें जब सबूत के साथ मिल गई, क्योंकि उनके जो आरोपी हैं उनके मोबाइल, उनकी सारी डिटेल्स सर्विलांस पर डाली गई थी और ये पूरा सर्विलांस जो है हैंडल हो रहा था अहमदाबाद से। लगातार गुजरात एटीएस की टीम यहां पर थी, दिल्ली एनसीबी की टीम यहां पर थी और तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1814 करोड़ रुपए का ड्रग है और माना जा रहा है करीब करीब जो विशेषज्ञों का कहना है प्रतिज्ञा कि इससे 18 लाख लोगों को ड्रग्स दी जा सकती है। मतलब 18 लाख लोग, इतना ड्रग्स था कि 18 लाख लोग नशा कर सकते थे। ऐसे में अब राजधानी भोपाल की पुलिस भी एक्शन में आई है और 223 और 163 बीएनएस के तहत फैक्ट्री के जिसके जगह पर कंपनी थी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, यानी जिसने अपनी जगह पर ये पूरी कंपनी बनाने को दी उसने फैक्ट्री के मालिक ने पुलिस को जानकारी नहीं दी थी। ऐसे में भोपाल पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जो भी लोग काम करते हैं किसी फैक्ट्री में उन्हें उनकी जानकारी, उनका पूरा डेटा देना होता है, लेकिन डेटा नहीं दिया गया जिसके कारण एफआईआर दर्ज की गई और कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में भी और बड़ी कार्रवाई होनी बाकी है। बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है और ऐसा कहा जा रहा है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है राजधानी भोपाल में। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए।